कहते हैं ना, जा को राखे सैया मार सके ना कोई। ऐसा ही एक पूरा घटनाक्रम पीथमपुर से लगे इंदौर अहमदाबाद मार्ग टीही गांव फाटे पर देखने को मिला, जहां एक के बाद तीन हादसे हुए मगर सिर्फ एक व्यक्ति को चोट आई है। दरअसल पूरा मामला यूं है कि एक कंटेनर डिवाइडर से टकरा कर पलटी खा गया। पीछे आ रहे दो बाइक कंटेनर में रखे पाइप की चपेट में आ गए और एक कार अपने आप को बचाने में नाले में चली गई। घटना के बाद लंबा जाम लग गया। मिली जानकारी के अनुसार टीवी फाटे के पास करीब 7 बजे रोड क्रॉस कर रही महिलाओं को बचाने के चक्कर में कंटेनर डिवाइडर टकरा कर पलटी खा गया। तभी पीछे आ रही कार के चालक ने अपने आप को बचाने के लिए कार को नाले में मोड़ दिया, जिससे वो नाले में चले गए। हालांकि कार में बैठे परिवार के किसी भी सदस्य को चोट नहीं आई है, लेकिन कंटेनर के पलटने के बाद उसके ऊपर रखे भारी भरकम पाइप भी नीचे गिरना शुरू हो गए। तभी पीछे से आ रही दो बाइक सवार के नीचे आ गए, जिससे एक बुजुर्ग व्यक्ति घायल हो गया। आसपास के लोगों ने बताया कि पाइप के नीचे सबसे पहले पैशन प्रो गाड़ी दबी। उस गाड़ी का वाहन चालक बाइक छोड़कर जहेज से भाग गया, लेकिन लूना से टीवीएस की ओर जा रहे मोहन लाल परमार नामक व्यक्ति एक पाइप के नीचे दब गए, जिसके उनका पैर फ्रैक्चर हो गया। घटना के बाद करीब 4 किलोमीटर का लंबा जाम लग गया। जाम खोलने में पुलिस को पसीने छूट गए। करीब 11 बजे से छुटकारा पाया गया। कंटेनर चालक मौके से फरार हो गया। पीथमपुर से संजय सोनकला की रिपोर्ट। आज करीब 8 बजे एबी रोड पर मुंबई की तरफ से एक ट्राला RJ48GB0641, जिसमें लोहे के केसिंग पाइप बड़े बड़े लदे हुए थे, उस ट्राले ने एक्सीडेंट किया है और वो ट्राला डिवाइडर पर चढ़ गया है, जिसके कारण से सारे जो आयरन पाइप हैं, जो पानी के पाइप हैं बड़े से, वो रोड पर गिर गए हैं। और रोड पर गिरने के दौरान एक होंडा सिटी कार और एक लूना जो सवार चालक है और एक अन्य कार, ऐसे वो तीन वाहनों को उसने एक्सीडेंट किया है। और एक्सीडेंट में कुछ लोगों को मामूली चोटें आई हैं। और जो रास्ते में मुख्य तौर पे जो आयरन के पाइप जो पूरे फैल गए हैं, उनको क्रेनों के द्वारा हटवाया जा रहा है और दो डिवाइडर लगा करके और यहाँ पर पीथमपुर की तरफ से डाइवर्जन लगाया गया है। पीथमपुर से सीधे राउ देवी रोड का ट्रैफिक निकाला जा रहा है और राउ चौराहे से भी जो ट्रैफिक है वो मुंबई की तरफ भेजने के लिए पहले पीथमपुर भेजा जा रहा है, जिसके कारण से ट्रैफिक जाम जो अभी लगा हुआ था काफ़ी देर से वो खुलने वाला है। सर, लगभग कितना लंबा जाम है और कितने देर में क्लियर हो सकता है? लगभग अभी करीब 3 किलोमीटर लंबा जाम था, लेकिन अब बहुत ही जल्दी वो क्लियर होने वाला है, क्योंकि नए वाहन वहाँ पहुँचना बंद हो गए हैं और पुराने वाहन धीरे धीरे करके निकाले जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।